नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं टेक्निकल फोर व्हीलर चैनल से और मैं आज आप सबसे बताने वाला हूं दोस्तों, जो हमारा टाटा एस गाड़ी है उसका हम टाइमिंग फिटिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि जब भी हम टाइमिंग बेल्ट को फिटिंग करते हैं तो हमें क्रैंक और पंप और हमारा कैमशाफ्ट को लॉक करना पड़ता है दोस्तों। ये हो गया हमारा क्रैंकशाफ्ट और ये हो गया इंजन का जो पंप होता है वो हो गया, ये हो गया हमारा कैमशाफ्ट। तो हमें तीनों चीज़ को लॉक करना पड़ता है दोस्तों। तो हमें कहाँ कहाँ पे इसे लॉक करना होगा कि हम टाइमिंग कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्रैंक शाफ्ट को लॉक करेंगे, तो उसके लिए हमें हीटर प्लग को लेना होगा। हीटर प्लग लेके और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ दिखाओ भाई जरा, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं ये जो मेरा फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, यहाँ पे एक सुराख दिख रहा है, यहाँ पे हम प्लग को लगा देंगे। लगा के उसके बाद इंजन को घुमाएंगे, जैसे ही हमारा सुराख आएगा यहाँ पे पिन फंस जाएगा दोस्तों, यहाँ से हम क्रैंक शाफ्ट को लॉक कर देंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा पंप है हमें इसे लॉक करना है, इसे आपको दिखा देते हैं। एक 14 नंबर के बोल्ट लेके और इसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद दोस्तों एक यहाँ पे एक कट दिखाई देगा, सुराख है, सुराख के अंदर इस बोल्ट को हम फंसा देंगे। यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा पंप है वो लॉक हो चुका है। उसके बाद दोस्तों एक हम 5 नंबर का एलिंगी लेके और जो हमारा हेड का केम है उसे हम लॉक करने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमें एक सुराख है, इसमें हम लगा के और केम को घुमाएंगे, देख लीजिए हमारा जो केम है वो भी लॉक हो गया है। तो चलिए दोस्तों तीनों चीज़ को हम लॉक कर लिए हैं, यहाँ क्रैंक और पंप और केम शाफ्ट को तीनों को लॉक कर दिए हैं। चलिए अब बेल्ट चढ़ा के और आपको दिखाते हैं दोस्तों कैसे बेल्ट चढ़ाया जाता है। तो चलिए देखिए दोस्तों बेल्ट को हम सभी पुलिया के ऊपर चढ़ा दिए हैं। आप थोड़ा गौर से देख लीजिए कि कैसे कैसे हम बेल्ट चढ़ाए हुए हैं, वैसे आप अपने गाड़ी को भी चढ़ा सकते हैं। आप जरा पुली के ऊपर गौर से देख लीजिए, पहले हम क्रैंक शाफ्ट को ऊपर चढ़ा देते हैं, उसके बाद वाटर पंप से घुमा के दूसरा वाला एडजस्टर पुली है इसके ऊपर घुमा के फिर हम ऐसे करके बेल्ट चढ़ा देते हैं। तो चलिए दोस्तों और अभी हम जितना केम सबको और सभी को लॉक किए हैं यहाँ हम सबको निकाल देते हैं जितना भी लॉक किए हैं। और दोस्तों टाइमिंग आप किसी भी गाड़ी को क्यों नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों जब तक जब भी आप टाइमिंग किसी भी गाड़ी का कीजिएगा तो पहले इसे एक दो राउंड घुमा के, तो दोस्तों किसी भी गाड़ी का हम टाइमिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले उसे एक राउंड घुमा के जरूर देखेंगे। अगर हमारा टाइमिंग रॉन्ग होगा तो तुरंत कटाक से ना करके लॉक हो जाएगा। अभी देख लीजिए अभी जो हमारा टाइमिंग है बिल्कुल ओके है, अभी आप देख लीजिए बिल्कुल घूम रहा है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों मेरे टाइमिंग अगर रॉन्ग होगा तो तुरंत कटाक से न करके और लॉक हो जाएगा, बिल्कुल घूमेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और दोस्तों एक आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पर अगर मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ घंटी को और भी सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।